जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर रॉकेट टेक में। तो दोस्तों देखिए, एनएमडीसी की तरफ से काफ़ी बड़ा यहाँ पे अपडेट निकल के आया है। तो देखिए, इसमें अभी फिलहाल में एक नोटिस तो पब्लिश हुआ है, जिसमें देखिए बोला गया है कि जो आपका एनएमडीसी किरणडूल और बचेली कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो किस तरह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और साथ ही आपका एग्जाम डेट क्या है, तो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अभी हम जो है आपके एनएमडीसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो जैसे थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ तीन नोटिस कुल मिला के पब्लिश हुए। तो जिसमें आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, यानी जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए, साथ ही उनका अप्लीकेशन स्टेटस भी आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा, जिसका वीडियो जो मैंने अभी इससे पहले भी आपको चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखा तो वो भी वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी से है। फिर देखिए, सेकंड जो नोटिस है वो भी उसी के रिगार्डिंग है, लेकिन मेनली जो हम बात करने वाले हैं जो आपके फील्ड अटेंडेंट का स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर, आपको देखिए 5/2021, और डेट कौन सा दिया है आपका 8/3/2021 का था, ठीक है, जिसमें आप लोग फॉर्म फिल किए थे। देखिए, कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम रिटर्न टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट फॉर जो आपका किरणडूल और आपका बचेली कॉम्प्लेक्स की उसके लिए, ठीक है। शेड्यूल ऑन देखिए 5/6/2022, कॉल लेटर आर बीइंग सेंड टू एलिजिबल कैंडिडेट बाय पोस्ट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक बात ये जान लीजिए, इसमें बताया गया है कि आपके उधर बाय पोस्ट जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड भेज दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, आपका एक डाउट होगा, जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड एक स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे कॉल आया था, तो उसमें देखिए आपका अलग डेट बता रहा है, लेकिन और जो बाय पोस्ट आया तो उसमें अलग डेट बता रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया जो आपका कॉल लेटर है बाय पोस्ट भेज दिया गया, और साथ ही देखिए यहाँ पे उन्होंने जो शेड्यूल भी बता दिया, यानी पाँच जून से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, जो बाय पोस्ट आया तो उसमें देखिए आपका 5 जून ही जो है डेट दिया हुआ है, ठीक है, बाय पोस्ट जो आया है उसमें। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ऑनलाइन में अगर अलग डेट भी बताता है तो आपको जो है 5 जून मान के ही चलना है, जो आपका बाय पोस्ट आया है, ठीक है। अगर बाय पोस्ट में देखिए आपका जो है 5 जून ही मेंशन है, क्योंकि देखिए वो 2-3 कैंडिडेट के मुझे कॉल आए थे, इसलिए ये जो डाउट है आपका ये अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप पे आपको लिंक मिल जाएंगे टू डाउनलोड कॉल लेटर। देखिए, इसमें अगर आपका सही डेट आता है, अगर देखिए 5-6 यहाँ पे उन्होंने दिया है, अगर ये आता है तो आपका जो एडमिट कार्ड राइट है। अगर आपका देखिए अलग डेट में अगर आपको ऑनलाइन मिलता है और बाय पोस्ट में अगर अलग डेट मिलता है, तो देखिए जो बाय पोस्ट है उसको ही आपको सही मान के चलना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम थोड़ा यहाँ पे क्लिक कर देते, तो देखिए इस तरह का जो आपका एनएमडीसी का जो फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें देखिए एंट्री एनी टू फॉलोइंग फील्ड के कौन से भी दो फील्ड भर के जो आपको सबमिट करना है, और आप लोग जो आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो है सिंपल सा इसमें अप्लीकेशन जो अपना नंबर है वहाँ पे डालना है, और आपका डेट ऑफ बर्थ डाले, या फिर देखिए आपका ईमेल डालना है, और आपको देखिए सिंपल सा इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो उसमें जो देखिए आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो डाउट आपका रहने वाला है, अगर इसमें आपका सही डेट आता है 5 जून, तो वही आपका जो है राइट है, और बाय पोस्ट में भी 6 जून 5 जून रहता है, तो वो आपका राइट एडमिट कार्ड है, ठीक है। अगर ऑनलाइन में अगर कुछ डेट वगैरह चेंज रहता है, तो उसका अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको जैसे चैनल पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका जो शेड्यूल है 5 जून को ही किया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बाय पोस्ट में यही जो डेट है आपका मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, यही जो बिग अपडेट था जो आपको देना था, और साथ ही जो आपका आशा करता हूँ डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो मिलते दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।